चाचा चाचा आ गया माँ माँ चाचा आ गया माँ माँ चाचा आ गया। ओ भाभी 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 आओ रतन जी तेरा अच्छे हो ना एकदम अच्छा बिल्कुल अच्छा। ए ए बाबू अरे बाबू आजा 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 मेरा बेटा हाँ हाँ जुग जुग दियो मेरा ला कैसा हो देख लो एकदम अच्छा हो बैठ कैसी हो माँ देख ले। ए ए ए बाबू ये गुड़िया तेरे लिए नहीं है ये कमला की है। कमला के लिए वाह वाह क्या कहने हैं तेरे अकल के। क्यों तू अभी तक उसे बच्ची समझता है अरे उसे देखेगा तो पता चलेगा कितनी बड़ी हो गई है। कमला वहाँ खड़े खड़े क्या देख रही हो इधर आकर चाचा के पैर छू। अरे 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 ये लड़की तो लंबी होती जा रही है चाचा जी। चलो अब उठो 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 इधर देखो जरा इधर नानी इधर देखो ये लो अपनी गुड़िया संभालो खिलाओ इसको। भैया कहाँ है अभी तक नहीं आए। समय तो हो गया बस अब आने वाले। बाबा बाबा चाचा आ गए। कहाँ है। घर पे है। अरे घर में तेरे की चुपचुप भाग भाग। अरे ए भैया रतन ये क्या रतन यहाँ मेरी छाती से लग रतन तुझे देखने को तो आंखें तरस गई। इम्तिहान में पास हो गया। हाँ भैया पास हो गया। इस बरस भी अव्वल आया होगा तुम्हारा ही तो भाई हूँ। सो तो है रतन। अरे देख शहर में बड़े बड़े धनवानों के छोकरे पढ़ते होंगे लेकिन मेरे रतन से बाजी ले जाए ऐसा कोई माँ का लाल नहीं है। रतन मेरे जरा फिकर लगी रहती थी। काहे की पिछले चार पांच महीने से जरा पैसे की तंगी थी इसलिए। अरे भैया मैंने तुमको कितनी बार चिट्ठी में लिखा कि तुम मेरी चिंता मत करो मेरी चिंता मत करो। मेरी चिंता मत करो अरे सो भी कोई बात है रतन। हाँ शहर का मामला खाना पीना ऊपर से पढ़ाई लिखाई पैसे बिना ये सब कैसे पूरा होता होगा रतन। रिक्शा चलाता था। हमारा रिक्शा रिक्शा चलाता था। हाँ भैया और उसी से सब खर्चा पूरा हो जाता था। सुना माँ तुम्हारा बेटा रिक्शा चलाता था। अरे रतन तेरा भाई तंगी में था कोई मर तो नहीं गया था। लो तो इसमें दुख की क्या बात है भैया। अब तुम ही बताओ भाभी अगर आदमी अपनी मेहनत से दोनों वक्त अपने काट ले तो इसमें तो इज्जत की बात है ना। तुम्हें तो खुश होना चाहिए भैया। अगर मैंने रिक्शा चलाई है तो औरों की सेवा ही तो की है। किसी को झूठ तो नहीं बोला किसी को धोखा तो नहीं दिया। अच्छा अच्छा ये तो हुआ लेकिन तुम लोगों ने उसे कुछ खाना खुना भी खिलाया कि नहीं। मैं तुम्हारा तो इंतजार कर रहा था भैया। अच्छा रतन तन चल चलें देख कल सुबह सगाई की धमाल रहेगी सुबह सुबह उठना पड़ेगा। आइए आइए सीताराम जी आओ समधन ये मेरा छोटा भाई रतन पहचाना कि नहीं। अरे वाह पहचाना क्यों नहीं बचपन में इन्हीं गलियों में तो गुल्ली डंडा खेला करता था ये। रतन ये आज से हमारे समधी बन गए। मतलब ये है बेटा कि पहले दोस्त थे आज से भाई भाई हो गए। आओ बहन हम तुम्हारा ही रास्ता देख रहे हैं। आओ किधर बैठो। पार्वती अब शुरू करो। लो बहन टीका लगाओ। आइए बधाई हो रामलाल सब ठीक ठाक हो गया ना। आपकी आशीर्वाद से सब ठीक हो गया। रतन यहाँ आओ ये मैनेजर साहब है। नमस्ते करो। नमस्ते मैनेजर साहब ये मेरा छोटा भाई रतन है शहर में पढ़ता है। ओह अच्छा अच्छा रामलाल सेठ जी ने ये भेजा है। वो तो कहते थे वो खुद आएंगे। खैर बड़े आदमी है फुर्सत नहीं मिली होगी। नहीं नहीं ये बात नहीं सेठ जी आना तो चाहते थे मगर उनकी बेटी मालती शहर से इम्तिहान देकर आई है ना बस उसी के साथ मोटर में कहीं निकले। अगर इम्तिहान में फेल हो गए तो क्या हुआ अब शादी की बात करो वो कैलाश की माँ ने फिर लिखा है। नहीं डैडी मैं उससे शादी नहीं करूँगी वो किताबों का कीड़ा जिंदगी के माने भी नहीं समझता। Get out. Okay.
ए, चलो। तुम्हारी पगड़ी। अरे हाँ। क्या हो गया इस कम वक्त को, चाय क्यों नहीं लाता? अबे नंदू। आया जी। तो आप यहाँ पर हैं? कहाँ मर गया? आया जी। ये क्या कर रहा है? चाय क्यों नहीं बना था? ये क्या म्याओ म्याओ कर रहा है? मुझे बात ये है, चौहान में चूहे बहुत हो गए हैं, इसलिए मैं उनको बिल्ली बन के डरा रहा हूँ। गला गई। चल किचन में तेरी आज चटनी बनाता हूँ। ये जानवर कहाँ से आ गया? मिल में काम करता था, मम्मी जी रोज आन खाया करता था कि मुझे घर में नौकरी दे दीजिए, और इन महाराज ने इसको नौकरी दे दी। नौकरी पे मुझे याद आया डैडी, मेरी एक बड़ी पक्की सहेली है मंजू, वो बीए पास है, टाइप और शॉर्ट हैंड भी जानती है, आप उसे नौकरी दे दीजिए। नौकरी कहाँ है? नहीं डैडी, मैंने उसे वादा किया है, प्लीज डैडी। अच्छी बात,